So good morning to all of you and welcome to the ICC IAS Academy. So let's start today's current affairs of 5th January 2024. See the news. The first news is RBI significantly raises bulk deposit limit for large urban cooperative banks to 1 crore and above. पहले हम ये देखते हैं कि लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन से बैंक को बोलते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं उनको यहाँ पर चार भाग में डिवाइड किया गया है। उनमें से जो टीयर थ्री, याद रखिएगा, जो टीयर थ्री और टीयर फोर के अंदर आते हैं उनको ही हम बोलते हैं लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। टीयर थ्री के अंदर वही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं जिनका टोटल डिपॉजिट मनी जो है वो आपका 1000 करोड़ से 10000 करोड़ तक होगा। और टीयर फोर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वो बैंक्स आते हैं जिनका टोटल डिपॉजिट जो है वो 10000 करोड़ से ज़्यादा है। तो अभी आरबीआई यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि अगर आपका अकाउंट टीयर थ्री और टीयर फोर के अंदर जो भी लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं उन बैंक में अगर आपके अकाउंट है तो आप अपने डेली डिपॉजिट लिमिट जो है वो पहले 15 लाख तक था, दैट मीन्स आप पहले 15 लाख तक ही एक ही दिन में डिपॉजिट कर सकते थे, अभी आप 1 करोड़ तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। दैट मीन्स डिपॉजिट मनी जो है वो यहाँ पर बढ़ाकर 15 लाख से 1 करोड़ तक कर दिया गया है। ठीक है, देखिए न्यूज़ क्या है। इन ए सिग्निफिकेंट मूव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डिसाइडेड टू सब्सटेंसली इंक्रीज द बल्क डिपॉजिट लिमिट ऑफ लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। द न्यू लिमिट नाउ स्टैंड्स एट 1 करोड़ एंड अबव, ए नोटेबल सर्ज फ्रॉम द प्रीवियस थ्रेशोल्ड ऑफ 15 लाख एंड अबव। पहले क्या था, 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आप डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन अभी 1 करोड़ से लेके अबव, दैट मीन्स 1 करोड़ प्लस तक अगर आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल डे पर लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द एनहांस्ड बल्क डिपॉजिट लिमिट स्पेशली एप्लीकेबल टू यूसीबी फॉलिंग विद द टीयर थ्री कैटेगरीज जिनका टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 1000 करोड़ से 10000 करोड़ होगा, और टीयर फोर यूसीबी जिनका टोटल डिपॉजिट जो है वो 10000 करोड़ एंड अबव होगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज UPI ends 2023 with record transaction worth 18 lakh crore rupees, up 42% year to year basis. अब देखिए 2023 में यहाँ पर टोटल कितना UPI ट्रांजेक्शन हुआ है उसका रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2022 में यहाँ पर जितने भी UPI ट्रांजेक्शन हुआ था अगर उसको हम 2023 के साथ कंपेरिजन करें तो टोटल 42% तक यहाँ पर ईयर टू ईयर इंक्रीमेंट हुआ है। फर्स्ट थिंग, इन डिसम्बर UPI ट्रांजेक्शन सॉर्ट बाई एन इम्प्रेसिव 42% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग एन आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ 18 लाख करोड़ रुपीज। दैट मीन्स 2023 में UPI के थ्रू टोटल 18 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, और यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन करें 2022 के साथ टोटल 42% तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 2023 में। द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम विटनेस्ड ए सब्सटेंशियल ऑफ 54% राइज, टोटलिंग 1202 करोड़। अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअली की बात करें तो कितने बार यहाँ पर, कितने टाइम यहाँ पर आपका UPI जो है वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, तो टोटल यहाँ पर 1202 करोड़ टाइम्स यहाँ पर UPI यूज हुआ है। रिमार्केबली द मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन UPI ट्रांजेक्शन वॉल्यूम वॉज सब्सटेंशियली 7%। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि टू मंथ वाइज यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, लेट सपोज जनवरी के मंथ में 10% जो है वो यहाँ पर UPI ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पर फेब्रुआरी के मंथ में एवरेज 7% जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, दैट मीन 17% जो है वो यहाँ पर UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हर मंथ यहाँ पर इंडिया के अंदर 7% तक यहाँ पर ग्रोथ दिखने को मिलता है कहाँ पर, UPI ट्रांजेक्शन में। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पाइट मिसिंग द टारगेट 100 करोड़ डेली ट्रांजेक्शन सेट बाई NPCI। अब देखिए NPCI जो है वो यहाँ पर ये सेट करके चलाता है कि टोटल 2023 में हम पर डे 100 करोड़ यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेली करेंगे थ्रू UPI, बट ये जो अचीवमेंट है इसको हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो अभी तो जितना भी डाटा हम लोग के पास है उस डाटा के हिसाब से NPCI ये बोल रहा है कि अभी इंडिया के अंदर डेली 40 करोड़ डेली UPI के थ्रू यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज वाइस एडमिरल संजय सिंह टेक्स ओवर द वेस्टर्न नेवल कमांड चीफ इन मुंबई। अब देखिए हम पहले बोल चुके हैं कि इंडियन नेवी का जो रैंक है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, पहले कैप्टन कमांडर हुआ करते थे अभी एडमिरल हुआ करते हैं। उनमें से देखिए वाइस एडमिरल संजय जय सिंह जो है वो ऑफिशियली टुक ओवर द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड WNC फ्रॉम द वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ABSM NM। दैट मीन्स अभी वेस्टर्न नेवल कमांड WNC के जो वाइस एडमिरल होंगे वो कौन होंगे, संजय सिंह। याद रखिएगा संजय जय सिंह जो है वो अभी WNC दैट इज नथिंग बट और वेस्टर्न नेवल कमांड का अभी वाइस एडमिरल है, और उन्होंने किनके पोस्ट यहाँ पर ली है, वो है आपके दिनेश के त्रिपाठी।
दिनेश के त्रिपाठी पहले वाइस एडमिरल थे डब्ल्यूएनसी के, लेकिन अभी एडमिरल वाइस एडमिरल का पद जो है वो संजय जय सिंह को यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो अभी वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो पहले वाइस एडमिरल थे वो अभी कौन से पोस्ट में गए, अभी कुछ देर बाद हम देखते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज नाडिया कालविनो अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं ईआईबी। ईआईबी सो अभी हम बोलेंगे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज नथिंग बट आवर ईआईबी के नया प्रेसिडेंट कौन है, नाडिया कालविनो। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उन्होंने रिप्लेस किया है वर्नर होयर को। ओके, देन नाडिया कालविनो जो है वो यहाँ पर 8 नंबर प्रेसिडेंट बने हैं, 8 नंबर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर प्रेसिडेंट कौन बने, नेडिया कैल्विनो। एंड नेडिया कैल्विनो इज द फर्स्ट स्पेनिश पर्सन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इन अ हिस्टोरिक मूव नेडिया कैल्विनो हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, टेकिंग ऑफिस ऑन January 1। शी सक्सीड्स वर्नर होयर, आपको ये चीज याद रखना होगा कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, वर्नर होयर को, टू बिकम द 8th प्रेसिडेंट। 8th प्रेसिडेंट बने वो यूरोपियन यूनियन बैंक के। ठीक है, नोटेबली कैल्विनो इज द फर्स्ट वोमेन एंड द फर्स्ट स्पेनियर, स्पेनियर का मतलब होता है आपका स्पेनिश, टू लीड दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द बैंक्स हिस्ट्री। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ रुपीज 802 करोड़ रुपीज। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओई के ऊपर सिग्नेचर किया है। जो पहला ऑर्गेनाइजेशन उसको हम बोलते हैं जुपिटर वागन लिमिटेड, द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज आवर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। जुपिटर वागन लिमिटेड के साथ यहाँ पर 473 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है, एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर टोटल 329 करोड़ रुपीज़ का एमओयू के ऊपर सिग्नेचर हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जुपिटर वागन लिमिटेड जो है वो इंडियन डिफेंस सिस्टम को 697 बोगी ओपन मिलिट्री, जिसको हम बोलते हैं BOM, वो प्रोवाइड करेगा। एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो यहाँ पर टोटल 56 नंबर ऑफ MMM Mark II यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। MMM Mark II को अगर बात करें तो उसका पूरा नाम है आपका मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट्स। तो टोटल भारत अर्थ मूवर्स जो है वो टोटल 56 नंबर ऑफ यहाँ पर MMM Mark II जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडियन डिफेंस सिस्टम को। एंड जुपिटर वागन लिमिटेड की बात करें तो टोटल वो 697 नंबर ऑफ BOM जो है, दैट इज नथिंग बट बोगी ओपन मिलिट्री, वो यहाँ पर इंडियन डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बात किए थे कि वाइस एडमिरल संजय सिंह जो है वो यहाँ पर, सॉरी, संजय सिंह जो है वो यहाँ पर वाइस एडमिरल बने। पहले वाइस एडमिरल कौन थे, दिनेश के त्रिपाठी। हम यहाँ पर बोले थे कि दिनेश के त्रिपाठी को यहाँ पर कौन सा पोस्ट में यहाँ पर प्रमोशन मिला है, अब देख लीजिए। वाइस एडमिरल जो थे पहले दिनेश के त्रिपाठी वो यहाँ पर अपॉइंटेड एज ए वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अब देखिए उनका प्रमोशन हो गया दिनेश के त्रिपाठी का, अभी दिनेश के त्रिपाठी क्या बन गए, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी टुक ओवर द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑन थर्सडे ए डे बिफोर वाइस एडमिरल संजय सिंह टुक ओवर फ्रॉम हिम एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड INS सिकरा इन मुंबई। ठीक है, तो टोटली हम अगर यहाँ पर ये बात करें तो पहले देख लीजिए वाइस एडमिरल थे दिनेश के त्रिपाठी, अभी वाइस एडमिरल है संजय सिंह, तो यहाँ पर दिनेश के त्रिपाठी जो पहले वाइस एडमिरल थे वो अभी बन गए वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज NHPC, दैट इज नथिंग बट आवर नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, साइंस MOU विद GPCL। GPCL की बात करें तो गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, टू इन्वेस्टमेंट 4,000 करोड़ रुपीज इन प्रपोज ऑफ 750 मेगावाट कूपा पम्प हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब देख लीजिए ये चीज आपको याद रखना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो है आपका कूपा पम्प हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट, और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी उस प्रोजेक्ट का क्या है, 750 मेगावाट। ठीक है, टेकिंग ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, NHPC हैज साइंड MOU विद द गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड GPCL फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज ऑफ 750 मेगावाट कूपा पम्प हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। एज पर द MOU, NHPC विल इन्वेस्ट एन एस्टिमेटेड रुपीज ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज इन प्रपोज प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट छोटा उदयपुर गुजरात। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज याद रखना होगा, NHPC किसके साथ MOU साइन किया है, GPCL गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या है, 4,000 करोड़ रुपीज है। यहाँ पर जो भी
कुपा हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है उसका टोटल यहाँ पर एनर्जी कैपेसिटी क्या होगा, 750 मेगावाट। और वो गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, वो छोटा उदयपुर के अंदर, ये यहाँ पर कुपा पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होने वाला है। दो एमओयू एम्स टू कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द नेशनल ऑब्जेक्टिव टू क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी दैट इज अटेंड ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 एंड नेट जीरो टारगेट बाई 2070। अब देखिए यहाँ पर COP28 का जो मीटिंग हुआ था, यहाँ पर इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि वो 2030 तक इंडिया के अंदर जो एनर्जी कैपेसिटी है उसमें से वो अगर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करें, दैट इज नथिंग बट रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो 2030 तक यहाँ पर 500 गीगावाट तक पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर ये जो 700 मेगावाट का कुपा पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है वो भी यहाँ पर एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है। तो यहाँ पर हम लोग और भी एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2070 तक हम यहाँ पर नेट जीरो एमिशन का टारगेट लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द COP28। ओके, अगर हम COP28 की बात करें तो COP28 इस साल December 30 को दुबई के अंदर हेल्ड हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। देन द नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन रेलवे अचीव 1154.67 मेट्रिक टन फ्रेट लोडिंग टिल December 2023। फ्रेट लोडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए दैट मीन्स यहाँ पर मालवाही ट्रेन की बात किया जा रहा है। टोटल यहाँ पर गुड्स जो हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे के थ्रू, तो यहाँ पर रेलवे ये बोल रहा है कि 2023 में टोटल 1154.67 मेट्रिक टन का यहाँ पर टोटल गुड्स जो है वो यहाँ पर रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। फ्रेट लोडिंग इंक्रीजेस बाई 45.28 मेट्रिक टन एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 2022 में टोटल जितना भी यहाँ पर मेट्रिक टन फ्रेट लोडिंग ट्रांसफर हुआ था, 2023 में टोटल 45.28 मेट्रिक टन फ्रेट लोडिंग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है थ्रू रेलवेज। देन रेलवे अर्न 1,25,106.2 करोड़ रुपीज फ्रॉम फ्रेट लोडिंग ड्यूरिंग अप्रैल टू December 2023। यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर ऑल्सो, 1,25,106.2 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे जो है वो अर्न किया है थ्रू फ्रेट लोडिंग फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। ओके, फ्रेट अर्निंग इंक्रीज बाई 4,626.92 करोड़ रुपीज एज कम्पेयर टू द लास्ट पीरियड, सॉरी लास्ट पीरियड इन द लास्ट ईयर। अगर हम कंपेरिजन करें 2022 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जितना इनकम हुआ था फ्रेट लोडिंग से, 2023 में टोटल 4,626.92 करोड़ जो है वो ज़्यादा इनकम हुआ है थ्रू फ्रेट लोडिंग टू इंडियन रेलवे। रेलवे अचीव फ्रेट लोडिंग ऑफ 138.99 मेट्रिक टन इन December 2023। अगर हम दिसंबर की बात करें, देखिए इंडियन रेलवे यहाँ पर जितने भी डाटा रिलीज करता है ना, आपको ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम कौन से एरिया से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है किसी को नहीं पता, इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसका जो यहाँ पर डाटा रिलीज किया जाता है वो डाटा को आपको याद रखना ही होगा। दिस इज कंपलसरी एंड बाउंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस डाटा। रेलवे अचीव फ्रेट लोडिंग ऑफ 138.99 मेट्रिक टन। अब देखिए यहाँ पर जो रेलवे है वो दिसंबर महीना का भी यहाँ पर जो डाटा है वो भी रिलीज किया है कि 2023 में के दिसंबर में टोटल 138.99 मेट्रिक टन यहाँ पर टोटल फ्रेट लोडिंग हुआ है थोड़ा रेलवे। अगर हम इसको 2022 के दिसंबर के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इसमें भी 6.37% का इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज टू डाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। अब देखिए टू डाल को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एक मल्टी लैंग्वेज पोर्टल को एनाबल किया। इसको मल्टी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, देखिए एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर फार्मर जो है वो अपने टू डाल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से बेच भी सकते हैं, दैट मीन सेल भी कर सकते हैं। और अगर कोई ठेकेदार जो टू डाल को खरीदना चाहता है वो यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू भी यहाँ पर टू डाल को खरीद सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टू डाल को यहाँ पर MSP के अंदर इंक्लूड कर दिया है। पहले क्या होता था, ठेकेदार लोग होते थे वो फार्मर से डायरेक्ट टू डाल को खरीद के ले जाते थे, सो दैट जो भी फार्मर यहाँ पर टू डाल का कल्टीवेशन करते थे उनको उनका राइट वैल्यू जो है वो उनको नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी MSP के अंदर इंक्लूड होने के बाद जो भी फार्मर यहाँ पर टू डाल का यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं उनको उनका टू डाल के ऊपर जो राइट वैल्यू है, जो राइट प्राइस है, वो उनको गवर्नमेंट के तरफ से मिल पाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड ए मल्टी लैंग्वेज पोर्टल एनेबलिंग डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ टू डाल फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मर बाय गवर्नमेंट एजेंसी एट कॉम्पिटेटिव रेट्स। अब देखिए
इसको हम मल्टी लैंग्वेज पोर्टल इसलिए बोलते हैं, मैं और एक बार बोल देता हूँ, ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पोर्टल पर फार्मर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तूर दाल बेच भी सकते हैं, और ये एक ऐसा पोर्टल है अगर कोई ठेकेदार को यहाँ पर तूर दाल खरीदना होगा तो इस पोर्टल के थ्रू वो तूर दाल को खरीद भी सकता है। द प्लेटफॉर्म एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सिक्योर बफर स्टॉक्स एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज दी सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड सेटिंग अप टू मेंबर्स पैनल इन ऑल हाई कोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SNJPC। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर ये ऑर्डर किया है कि इंडिया के अंदर जितने भी सारे हाई कोर्ट्स हैं उन सारे हाई कोर्ट्स के अंदर अभी एक टू मेंबर पैनल बनेंगे टू इम्प्लीमेंट द SNJPC। पहले देख लीजिए कि SNJPC है क्या। SNJPC इज नथिंग बट आवर सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, इसको हम बोलते हैं SNJPC। और SNJPC का काम क्या है वो भी देख लीजिए, इंडिया के अंदर जितने भी सारे कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स के अंदर जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन जुडिशियल ऑफिसर्स का जो पे एप्लीकेशन है, जो उनका पेंशन स्कीम है, जो उनका अदर रिटायरल बेनिफिट्स है, उसके ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट देने का काम कौन करता है, आपका SNJPC करता है। तो इसको स्टडी करने के लिए और इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए सभी हाई कोर्ट के अंदर एक टू मेंबर का पैनल यहाँ पर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर ऑर्डर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड इट हैज रिकमेंडेड सेटिंग अप ए टू जज पैनल इन ऑल हाई कोर्ट्स टू एनश्योर दैट द ऑर्डर ऑन पे कॉमा पेंशन एंड अदर रिटायरल बेनिफिट्स फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स। अब देख लीजिए SNJPC जो यहाँ पर है वो ओनली जुडिशियल ऑफिसर्स का ही यहाँ पर जो सैलरी, जो पेंशन और जो रिटायरल बेनिफिट्स के ऊपर जो भी रिपोर्ट देना का काम होता है वो ओनली जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विंग एंड फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर्स विल ऑल्सो गेट कैशलेस फैसिलिटी फॉर देयर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस इंडिया है वो यहाँ पर DY चंद्रचूड़ जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टोटल यहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी सारे कोर्स हैं उन कोर्स के अंदर जितने भी यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर अभी काम कर रहे हैं प्लस जितने जुडिशियल ऑफिसर यहाँ पर रिटायर कर चुके हैं उन सबको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको यहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा वो ओनली यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर द एक्स एंड प्रेजेंट जुडिशियल ऑफिसर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन इन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। अब देखिए January 2 को नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर एक प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किए थे जिसको हम बोलते हैं कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू यहाँ पर कोची से लेकर लक्षद्वीप के अंदर जितने भी सारे आइलैंड है सभी आइलैंड को यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट द मेनलैंड कोची विद द कावरत्ती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ओनली। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर टोटल जितने भी सारे आइलैंड है 11 और 12 आइलैंड टोटल है, सारे आइलैंड को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, नॉट ओनली कावरत्ती आइलैंड। कावरत्ती आइलैंड जो है वो यहाँ पर एक आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, बट रियलिटी जो है वो कोची से लेकर जितने भी सारे आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर सभी आइलैंड के साथ यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन किया जाएगा। द सेकेंड पॉइंट इज, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो गया। द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड बाई द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA। ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट इनोग्रेट हुआ है दिस इज फंडेड बाई, देख लीजिए, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सर्विसेस ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन फंड, और इसका पूरा नाम है USOF, एंड दिस इज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई USOF, एंड USOF जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर गलत है। देन हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन स्टेटमेंट आर करेक्ट, नॉन ऑफ दिस, कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। अब देखिए इसको हम बोलते हैं SKAO। देखिए SKAO के बारे में जान लीजिए, SKAO जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल फैसिलिटी टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप फॉर एड्रेसिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ कटिंग एज साइंस गोल्स। दिस इज करेक्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर रेडियो टेलीस्कोप का नाम जो है वो है आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। द वर्ल्ड्स 12 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। दिस इज रॉन्ग, वर्ल्ड के अंदर टोटल 10 कंट्रीज जो है वो इसको यहाँ पर इसके जो वर्ल्ड का सबसे यहाँ पर बड़ा
रेडियो टेलीस्कोप जिसको हम SKO बोलते हैं उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज आते हैं, यहाँ पर दिया के 12 कंट्री, टोटल 10 कंट्रीज आते हैं। तो ये 10 कंट्रीज का नाम जो है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पहला आ गया ऑस्ट्रेलिया, देन आ गया आपका कनाडा, देन चाइना, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, UK, और यहाँ पर जो भी कंपनी यहाँ पर जो स्क्वायर किलोमीटर एयर ऑब्जर्वेटरी बना रहा है उसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका UK के अंदर है, इसको भी आप याद रखिएगा। देन साउथ अफ्रीका, देन स्वीडन, देन नेदरलैंड, नेदरलैंड, देन इटली, देन आपका आ गया न्यूजीलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कंट्रीज यहाँ पर मिलकर स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो रेडियो टेलीस्कोप है उसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन टू हो गया कि द वर्ल्ड्स 12 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। देन रिसेंटली इंडिया पुल्ड आउट दिस प्रोजेक्ट, ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर उसके लिए 1250 करोड़ रुपीज सेंक्शन किए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट है वो भी यहाँ पर मिलकर स्क्वायर किलोमीटर एयर ऑब्जर्वेटरी जो रेडियो टेलीस्कोप है उनको यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट जो है वो टोटल 1250 करोड़ रुपीज अभी सेंक्शन किया है टू मेक दिस स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। सो इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन थ्री जो है आपका रिसेंटली इंडिया पुल्ड आउट दिस प्रोजेक्ट, ये भी यहाँ पर गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम वॉज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ऑप्शन ए अर्बनाइजेशन, ऑप्शन बी कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, एंड ऑप्शन डी डिजिटल कम्युनिकेशन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, ऑप्शन सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। देख लीजिए अभी खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए। इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956, एकदम सही है। खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत ही आपका खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड इज इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, दिस इज कर सॉरी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आता है। MSME इज नथिंग बट आवर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके अंदर आता है आपको, दैट इज नथिंग बट आवर मिनिस्ट्री ऑफ MSME के ही अंदर आता है आपका KVIC। तो ऑप्शन टू जो इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, ये आपका गलत है। द थर्ड ऑप्शन इज इट वर्क्स टू एनहांस द सेल एंड मार्केटिंग ऑफ खदी एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी एकदम सही चीज है। KVIC का जो फंक्शन है वो यहाँ पर है कि आपका सेल्स एंड मार्केटिंग द खदी एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज के अंदर जो भी यहाँ पर खदी और अदर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनता है उसको यहाँ पर मार्केटिंग करना और उसको सेल करना एंड और अदर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो जो ऑप्शन थ्री है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन तो यहाँ पर टोटल 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर करेक्ट है, और ऑप्शन टू जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वेन एवर आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द सडन नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए थैंक यू।